रही है। आज की क्लास पूरा पैकेज रहने वाली है, तो प्यारे बच्चों बिना कोई टाइम जाया करे आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया है। तो अगर बात आती है प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता की, जब जब बात आए ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कितने देशों में पाई गई है। तीन देशों में पाई गई है। कहाँ कहाँ पर गुरु जी? भारत में पाई गई है, पाकिस्तान में पाई गई है और एक अफगानिस्तान में पाई गई। अफगानिस्तान में पाई गई है। अफगानिस्तान में प्यारे बच्चों इसके दो ही केंद्र मिले हैं, तोतू गोई और मुंडीकाक। और एसएससी ने एग्जाम में यही पूछे हैं कि अफगानिस्तान से कौन कौन से स्थान मिले हैं, तो सोतू गोई और मुंडीकाक अफगानिस्तान से मिले हैं। लगभग 900 क्षेत्र भारत से पाए गए हैं और 500 प्लस जो क्षेत्र खोजे गए हैं ना स्थान, वो पाकिस्तान से खोजे गए हैं। और सबसे बड़ा स्थान पूछे ना सिंधु सभ्यता का, वो मोहन जोदड़ो रहेगा, जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। और पहले सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल था ना, वो राखी गढ़ी होता था, जो हरियाणा में होता था। वर्तमान में धोलावीरा से एक खेल स्टेडियम मिल चुका है प्यारे बच्चों, तो वर्तमान में राखी गढ़ी दूसरे स्थान पर है। इसने केवल हरियाणा का पूछा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया है। तो मीथा थल ये भी हरियाणा में है गुरु जी, कहां पर रहेगा? ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। बीडाना ये प्यारे बच्चों फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। एक क्वेश्चन बीडाना से और बता देता हूं, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में खोजा गया सबसे पुराना स्थल भी कौन सा रहेगा? तो बीडाना सिंधु सभ्यता का हरियाणा में खोजा गया सबसे पुराना स्थल रहेगा। और भगवानपुरा ये भी हरियाणा में, तो उपर्युक्त सभी स्थल सिंधु सभ्यता के कहां से पाए गए हैं? हरियाणा में। इसने पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करने का काम करते हैं। हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट है? तो नौरंगाबाद है ना प्यारे बच्चों, ये कहां पर रहेगा? आपका भिवानी में रहेगा। आपसे राखी गढ़ी पूछता ना, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा, जो हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहेगा। गुरुग्राम प्यारे बच्चों यहां से इसको चार पांच नाम से जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से जाता है। गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ कैपिटल के नाम से जाना जाता है, कॉल सेंटर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ मिलेनियर के नाम से जाना जाता है, मेडी सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका गुरुग्राम कुरुक्षेत्र, जैसे भाई दौलतपुर है ना, वो कुरुक्षेत्र में है। वहां से हमें मिट्टी की क्या मिली है? मोहरे मिली है। तो नौरंगाबाद इज द राइट आंसर, भिवानी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे मूव करते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद सूरज भान द्वारा निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल का उत्खनन नहीं किया गया? यही तो गलत करोगे बच्चों, सूरज भान है ना, इसने बनावली का उत्खनन नहीं किया था, क्योंकि बनावली का उत्खनन है ना RS बिष्ट ने किया था, रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। और बनावली से ना मिट्टी का क्या मिला था हमें? मिट्टी का हल मिला था। तो मीथातल कहां पर रहेगा आपका? मीथातल भिवानी में रहेगा। और सीसवाल कहां पर रहेगा? इसार और शुद्ध यमुनानगर में रहेगा। तो इन जगह का उत्खनन डॉक्टर सूरज भान ने किया था, तो केवल इसमें नहीं किया, तो कहां का नहीं किया गुरुजी? तो कहां का नहीं किया? बनावली का उत्खनन किसने नहीं किया था? RS बिष्ट ने किया था, वो इन्होंने डॉक्टर सूरज भान ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृदु भांड होते हैं प्यारे बच्चों मिट्टी के बर्तन। क्या होते हैं? मृदु भांड मिट्टी के बर्तन को बोला जाता है। तो मृदु भांड के लिए ना हरियाणा का रोहतक जिला फेमस रहेगा। मृदु भांड के लिए हरियाणा का मृदु भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस रहेगा? रोहतक फेमस रहेगा। इंसार में पूछे तो कौन सा रहेगा? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में राखी गढ़ी। भिवानी पूछे तो कौन सा रहेगा? मीथा थल रहेगा। मीथा थल से समुद्र कालीन क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। और कुषाण कालीन सिक्के भी कहां से मिले थे? मीथा थल भिवानी से मिले थे। पानीपत में ना पेट्रोप्रेशर रहेगा, क्या रहेगा और किसके नाम से रहेगा? इंडियन ऑयल के नाम से पानीपत में क्या रहेगा? पेट्रो प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? नवीनतम का मतलब है जिसे सबसे बाद में खोजा गया, भगवानपुर, दौलतपुर, मिर्जापुर, इनको पहले खोजा जा चुका था, तो राजा
कर्ण काटीला, राजा कर्ण काटीला कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ये सबसे नवीनतम खोजा गया इनमें, और ये सारे के सारे कुरु, एक बार पूछा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास है ना, ये पूछा था मिर्जापुर गांव है ना किस यूनिवर्सिटी के पास है, तो मिर्जापुर गांव है ना वो किस यूनिवर्सिटी के पास है कुरुक्ष। ये HSC ने एक एग्जाम में बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था, जो मिर्चपुर कांड हुआ ना, बच्चे JJU कराए हिसार में, लेकिन ना और मतलब पूछा मिर्जापुर गांव किस यूनिवर्सिटी के पास है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास रहेगा। और दौलतपुर कुरुक्षेत्र में यहाँ से मिट्टी के क्या मिले थी मोहरे, तो राजा कर्ण काटीला कुरुक्षेत्र में है, कर्ण झील पूछे तो करनाल में है, और गऊ कर्ण का तालाब प्यारे बच्चों पूछे तो कहां पर रहेगा, तो गऊ कर्ण का तालाब कहां पर हो जाएगा आपका, रोहतक में हो जाएगा, जहां पर 1921 में महात्मा गांधी आए थे असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां पर क्या दिया था, स्पीच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, भिवानी जिले के किस गांव में, तो तिगड़ाना गांव में, किस गांव में प्यारे बच्चों, भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अब क्या मिले अवशेष। हरियाणा में ना सबसे पुराना खोजा गया स्थल कौन सा रहेगा, तो सबसे पुराना खोजा गया स्थल हरियाणा में बिरडाना हो जाएगा, और प्यारे बच्चों सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में खोजा गया कौन सा हो जाएगा, राखी गढ़ी हो जाएगा, बीडाना फतेहाबाद में रहेगा, राखी गढ़ी हिसार में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तिगड़ाना गांव रहेगा, जो कहाँ का रहेगा, भिवानी का रहेगा। आगे आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरार्ध अड़प्पा युग और चित्रित धूसर मृत्युभांड संस्कृति के बीच परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है, तो ये प्रमाण मिला है प्यारे बच्चों भगवानपुरा नामक स्थान पर। हरियाणा में निम्नलिखित में किस स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग और चित्रित धूसर मृद्युभांड संस्कृति के बीच परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है, तो ये किस जगह से मिला है प्यारे बच्चों, भगवानपुरा जगह से मिला है। किस जगह से मिला है, भगवानपुरा जगह से इसका क्या मिला है, प्रमाण मिला है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, भगवानपुरा जगह से इसका क्या मिला है, प्रमाण मिला। निम्नलिखित में किस पुस्तक में अगरुआ का उल्लेख है, तो अगरुआ का उल्लेख है ना प्यारे बच्चों, ये दिव्यावदान है, बोध साहित्य दिव्यावदान में ना रोहतक और अगरुआ का वर्णन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कौन सा साहित्य रहेगा दिव्यावदान, बोध साहित्य दिव्यावदान में किसका वर्णन रहेगा, तो बोध साहित्य दिव्यावदान में ना रोहतक और अगरुआ का वर्णन रहेगा। तो बोध साहित्य दिव्यावदान में किसका वर्णन रहेगा, तो बोध साहित्य दिव्यावदान में प्यारे बच्चों किसका वर्णन रहेगा, रोहतक और अगरुआ का वर्णन किस में रहेगा, बोध साहित्य दिव्यावदान में किसका वर्णन रहेगा, रोहतक और अगरुआ। और एक है महाभारत कालीन ग्रंथ है नकुल दिग्विजय, नकुल दिग्विजय में केवल किसका वर्णन रहेगा, तो महाभारत कालीन नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन रहेगा। तो ये याद कर लेना, कल्लण की रचना होती थी राष्ट्रंगिणी, अभिज्ञान संकुंतलम कालिदास की होती थी, यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मौर्य कालीन के और अवशेष हरियाणा में कहां से मिले हैं, तो मौर्य कालीन के स्तूप व अवशेष है ना ये फतेहाबाद के साथ एक और जगह से मिले थे हिसार, तो मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष कहां से मिले, इसमें हिसार ऑप्शन में नहीं है, एक है फतेहाबाद, तो ये फतेहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य कालीन राजा होता था सम्राट अशोक होता था, और सम्राट अशोक ने ना जियो और जीने दो का नारा दिया था सम्राट अशोक के। ये पूछा जाता है कि अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला राजा कौन होता था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के 14 वृत्त अभिलेख मिले हैं, 13 लघु अभिलेख मिले हैं, और 7 स्तंभ अभिलेख मिले हैं। स्तंभ अभिलेखों पर ना पशु पक्षियों के चित्र होते थे, और सम्राट अशोक के जो मतलब अभिलेख है ना ये 3 लिपियों में मिले हैं, ग्रीक और आर्माइक। अफगानिस्तान से जितने अभिलेख मिलेंगे ग्रीक और आर्माइक में मिलेंगे, भारत से मिलेंगे वो ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, और पाकिस्तान से मिलने वाले सम्राट अशोक के अभिलेख है ना वो खरोस्टी लिपि में मिलेंगे। तो अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला पहला राजा था सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, बौद्ध धर्म को मानता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, और महेंद्र और संगमित्रा को ना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने कहां पर भेजा था, महेंद्र और संगमित्रा को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां पर भेजा था, लाडले बच्चों श्रीलंका भेजा था। कहां पर भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के
के लिए महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये फतेहाबाद में। और सम्राट अशोक ऐसा राजा था जिसने 14 के 14 महाजनपद जीते थे। महाजनपदों की जानकारी बोध कोई साहित्य पूछे ना उसमें अंगुत्तर निकाय में मिलेगी, और जैन साहित्य पूछे तो भगवती सूत्र में महाजनपदों की क्या मिलती है जानकारी मिलती है। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार खालिस्तान से पृष्ठ होता है, तो टोपरा अभिलेख रहेगा। ये टोपरा अभिलेख है ना जो यमुनानगर के एक गांव से ना प्यारे बच्चों कहते हैं अंबाला, यमुनानगर के एक गांव से ना जो फिरोज शाह तुगलक है ना वो कहां ले जाने का काम करता है, दिल्ली ले गई है। सम्राट अशोक का टोपरा अभिलेख है ना वो पूछे कौन सा राजा दिल्ली ले गया था, तो फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले जाता है दिल्ली, तो टोपरा अभिलेख इज द राइट आंसर रह जाएगा। तो वो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। आगे आता है वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, तो कपिल स्थल किसको बोला जाता है, केथल को बोला जाता है। पुराण के अनुसार किसके अनुसार, पुराण के अनुसार निम्नलिखित में हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान केथल को, तो आपसे पूछा जा सकता है अंजनी माँ का टीला कहाँ पर रहेगा, अंजनी माँ का टीला भी कहाँ पर रहेगा, केथल लव कुश है ना उनका स्थल कहाँ पर रहेगा, मुंदड़ी गांव केथल में। एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पर रहेगी, मुंदड़ी गांव केथल में रहेगी। और हनुमान जी का जन्म स्थल भी केथल है, केथल को क्या कहा जाता था, कपिल स्थल कहा जाता था। तो अंजनी माँ का टीला भी कहाँ पर रहेगा, केथल में रहेगा ये। और कल कपिल मुनि की जन्म स्थली पूछे तो प्रॉपर कलायत रहेगा, ठीक है। तो ये याद है निम्नलिखित में कौन सा उन पांच, एक बार आया था कपिल मुनि का संबंध कहाँ से था, ऑप्शन में केथल भी था और कलायत था, तो उस कंडीशन में हमें किसके साथ जाना पड़ा, कलायत के साथ जाना पड़ा। निम्नलिखित में कौन सा उन पांच ग्रामों में है जो एक युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगा था, तो वो पांच गांव में ना वो सोनीपत होता था, कौन सा होता था, सोनीपत होता था। जैसे सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया था, तिलपत हो गया था, जैसे इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का एरिया था वो सारे के सारे गांव है ना युधिष्ठिर ने किसे दुर्योधन से लेना चाहता था, तो सोनीपत इसे प्यारे बच्चों सोनप्रस्थ के नाम से या गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा हो गया था आपका, सोनीपत हो गया। पलवल सिटी ऑफ कॉटन है, हरियाणा का पेरिस करनाल है, और यासीन मेव को ना मेवात का गांधी कहा जाता है। तो महाभारत में देखो तिलपत आ गया, महाभारत में ना हरियाणा का तिलपत के नाम से उल्लेखित है, तो तिलपत को क्या कहा जाता था, तिलप्रस्थ कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पानीपत को पाणप्रस्थ कहा जाता था, सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता था, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तो तिलपत का पूछा गया है, तिलप्रस्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां से आगामी एग्जामों में क्वेश्चन पक्के बनेंगे। महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध निम्नलिखित में किस घटना के साथ है, तो महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध निम्नलिखित में किस घटना के साथ है, और ये ब्रह्म सरोवर वो जगह है जहां दुर्योधन ने ना जल में छिपने के लिए इस्तेमाल ब्रह्म सरोवर का किया था। और ब्रह्म सरोवर है ना प्यारे बच्चों, ब्रह्म सरोवर एशिया का मैं मान सकता हूँ ऐसा सरोवर है जो चारों ओर से किसका बना हुआ है, पक्की इंटों का बना एकमात्र सरोवर कौन सा रहेगा, ब्रह्म सरोवर चारों ओर से पक्की इंटों का बना एकमात्र सरोवर कौन सा रहेगा, ब्रह्म सरोवर रहेगा। और अल बेरूनी एक राइटर हुआ था, अल बेरूनी उसने एक रचना लिखी थी ताकीद ए हिंद, कौन सी रचना लिखी थी, अल बेरूनी की रचना कौन सी होती थी, ताकीद ए हिंद होती थी, उसमें किसका वर्णन मिलता है, ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है, तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों मतलब है ना जैसे पर्यावरण को शुद्ध करने के संदेश देने के लिए एक प्लास्टिक के थैले की कछुए की क्या बनाई गई थी, मूर्ति बनाई गई थी। आगे क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने का प्रयत्न किसने किया था,
बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। ठीक है, जो कालीबंगा है ना उसके भी खोजकर्ता बीबी लाल थापर और घोष हो, एक के घोष होते थे, कालीबंगा को खोजा था। तो बीबी लाल ने सबसे पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलोक के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रकाश डाले थे। महाभारत का युद्ध गुरुजी कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व है ना, किसका युद्ध लड़ा गया था? तो 900 ईसा पूर्व प्यारे बच्चों महाभारत का क्या लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था गुरु जी? कौरवों और पांडवों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। आगे आता है, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो महाभारत में हरियाणा को ना बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में हरियाणा को ना बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। एक बार आया था ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा जाता था। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था? आर्यना, आर्यों का घर। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को कहा था। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्ष हर्ष चरित्र में हरियाणा को क्या कहा था? तो बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में हरियाणा को के साथ साथ कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से कहा था। और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि आदि परवा कहलाई थी। लेकिन महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया। बहुधान्यक का अर्थ आपसे पूछना गुरुजी, बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधान्यक का क्या होता है अर्थ? होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह कौन सा स्थान कहलाता है? तो महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वो स्थान कौन सा कहलाता है? ज्योतिसर कहलाता है। महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वो स्थान कौन सा है? ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र। क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने थे। और मैं भी कहता हूं प्यारे बच्चों, जीवन में कभी ऐसा मौका आए जब आपका दोस्त मुसीबत में होना, तो सारथी बनना, स्वार्थी कभी मत बनना। और अर्जुन के सामने ना उनके गुरु खड़े थे, तो अर्जुन ने क्या छोड़ दिए? हथियार छोड़ दिए। बोला भगवान मेरे को तो तीर चलाना आता ही नहीं है। अर्जुन ने वैसे देखा जाए तो सही किया, जिस दुर्योधन ने गुरु ने उनको तीर चलाना सिखाया उनके सामने कैसे शिष्य तीर चला सकता है। तब अंत में हार कर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, कहा था बेटा तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तूने तेरे गुरु को नहीं मारा तो तेरा गुरु तेरे को मार देगा, तूने तेरे भाइयों को नहीं मारा तो तेरे भाई तेरे को मार देंगे। इसीलिए गीता में कर्म करने पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। और प्यारे बच्चों ऐसा कहा जाता है कि आप श्रीमद् भगवत गीता लेकर बैठना, आपके मन के अंदर 101 सवाल लिख लेना, और जब भगवत गीता पूरी होगी तो आपको 101 के 101 सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, हरियाणा वालों को जवाब मिलना मुश्किल है। हरियाणा वाले डायरेक्ट पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। अब गीता थोड़ी बताएगी भाई तेरी शादी कब होगी, वो तो कहेगी कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अरे मैं बता देता हूँ, जब जॉब लग जाएगी ना तो शादी अपने आप हो जाएगी। अदरवाइज भैया वही बात है, गुरुजी शादी तो नहीं हुई, फेरे होते हुए देखे हैं, अदरवाइज तो भैया बहुत मुश्किल काम है। तो महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वो स्थान कौन सा रहेगा? ज्योतिसर, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी, और शहीद उद्धम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को लंदन में मारने का काम किया। और दिल्ली है ना, ये तोमर वंश के राजा अनंग पाल द्वारा बसाई गई थी। इसका पुराना नाम ढिल्लिस होता था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे टाइम के लिए कोई वंश आया था तो वो तुगलक वंश आया था 1320 से 1414। सबसे कम टाइम के लिए आया था खिलजी वंश आया था 1290 से लेकर 1320 तक आया था। और दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी किसके टाइम में होती थी? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में होती थी। 23 प्रांत होते थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसी राजा का था तो वो बहलोल लोदी का था, जो 1451 से लेकर 1489 था। और लू लगने के कारण बहलोल लोदी की क्या हो गई थी? मृत्यु। जो लोदी वंश का संस्थापक होता था, जिसने बहलोल नामक क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। और अब्दुल्ला उसके बारे में लिखता है कि ये सैनिकों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। जब तक इसके सैनिक खड़े होना तो बहलोल लोदी कभी बैठा नहीं करता था। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। उदार क्या होता था? ये शासक हुआ करता था, ये याद कर लेना नेक्स्ट एग्जाम में। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाई थी? तो ये आदि
सॉरी बच्चों, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाई थी? तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि आदि आदि रूपा कहलाई थी। और महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा को ना किस नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चों? महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आगामी एग्जाम में आपसे बनेंगे। मैं चाहता हूँ कोई भी एग्जाम हो मेरे प्यारे बच्चों का, एक क्वेश्चन भी गलत है नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होगा। महाभारत में कितने अध्याय? आंख बंद कर 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 देना। महाभारत में 18 अध्याय है। महाभारत में का नाम क्या होता था? पुराना नाम जय संहिता होता था और इसे पांचवा वेद कहा जाता है। महाभारत में कितने अध्याय होते थे? महाभारत में 18 अध्याय होते थे। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। महाभारत को किस में बांटा गया है? पर्वों में। तो महाभारत में ना पर्व भी पूछे तो कितने होते थे? 18 होते थे। और 13वें दिन ना महाभारत के युद्ध के 13वें दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और अभिमन्यु जिस स्थान पर मारा गया उस स्थान का नाम क्या था? अमीन गांव था। और वर्तमान में अमीन गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन सा होता था? तो पांडवों का सबसे बड़ा बेटा कौन सा होता था? युधिष्ठिर होता था। पांडवों का सबसे बड़ा बेटा कौन सा होता था? तो पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन सा होता था? युधिष्ठिर होता था। और युधिष्ठिर को क्या कहा जाता था? एक क्वेश्चन लिख लेना, युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता था। और पांडवों में युधिष्ठिर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जिंदा स्वर्ग पहुंचा था। बाकी जितने भी स्वर्ग जा रहे थे ना, रास्ते में ही स्वर्ग पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई। लेकिन ये धर्मराज होता था, तभी तो दुर्योधन का ना ये खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। तब दुर्योधन ने एक ही बात कही थी, मैं धर्मराज युधिष्ठिर से पूछूंगा, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो उसने पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर कह रहा था, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, नर नहीं गज। जब वो गज बोलने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो दुर्योधन को इतना सुना, अश्वत्थामा गज नहीं सुनाई दिया, मारा गया। तो उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचा था, ये याद कर लेना। भीम है ना, इसमें हाथियों जितनी क्या होती थी? भीम में हाथियों जितनी ताकत हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली थी। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ना, वो किस नदी के किनारे फैली फूली थी? सरस्वती। और वेदों की सबसे पवित्र नदी भी पूछे ना, तो वो कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती। वैदिक सभ्यता में गंगा का एक बार, ऋग्वेद में गंगा का एक बार, और यमुना का कितनी बार वर्णन मिलता है? 3 बार वर्णन मिलता है। वैदिक सभ्यता गुरु जी कब से कब तक थी? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व थी। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है ना, वो उत्तर वैदिक काल था। क्या था? उत्तर वैदिक काल था। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी, 1500 से 1000 तक पूर्व वैदिक काल होता था। इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि उसमें ऋग वेद की खोज हुई थी। और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल था, जिसमें श्याम वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद की क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अध्याय में कौन से अध्याय में भगवत गीता है? ये प्यारे बच्चों एक एग्जाम में आया था। मैं एग्जाम का आपको नाम बताता हूं कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था आगामी एग्जाम में। ये कोई सुपरवाइजर के एग्जाम का क्वेश्चन था कि महाभारत का यु अध्याय पूछे तो महाभारत में 18 है, लेकिन भगवत गीता है ना वो महाभारत के कौन से अध्याय में रहेगा? 16वें अध्याय में रहेगा। भगवत गीता का संकलन पूछे तो महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। चाहे महाभारत का संकलन पूछे या भगवत गीता का संकलन पूछे, किसने किया था? महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। 19 तो वैसे ही 18 अध्याय या 16वें में भगवत गीता है, तो लास्ट में ही आएगी ना, तभी तो युद्ध पूरा होगा। भगवत गीता के अनुसार, ये देखो यहाँ पर बच्चे गलत करेंगे, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? पहला नहीं पूछा, मेरे जैसे तो आगे जाएंगे ही नहीं, लकीर के फकीर है, कर्म करके आएंगे। अरे कर्म नहीं, दूसरा मार्ग पूछा है। तो भगवान से आपको ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हो। अगर आई महाभारत में क्या करने पर बल दिया गया है, या महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को
क्या करने पर बल दिया था? कर्म करने पर बल दिया, लेकिन भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा रहेगा? तो भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? वो ज्ञान रहेगा। कौन सा रहेगा? ज्ञान रहेगा। भगवत गीता में खालिस्तान और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप है, तो केशव जैसे माधव और किसके बीच में है? अर्जुन, यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप है। और अर्जुन को ना क्या पर्यायवाची अर्जुन का कौन सा है? कपि ध्वज, क्योंकि अर्जुन के ध्वजा पर ना खुद है कौन विराजमान थे? हनुमान जी विराजमान थे। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण किसके बीच में वार्तालाप रहेंगे? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या रहेंगे? वार्तालाप रहेंगे। किस नाम से जाना जाता है? तो कपि ध्वज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कपि ध्वज के नाम से जाना जाता है। कर्ण है ना, कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल, कर्ण का किला, कुरुक्षेत्र, कर्ण का टीला, कुरुक्षेत्र, गऊ, कर्ण का तालाब, रोहतक। और सूर्य, सूर्य पुत्र कौन होता था? कर्ण होता था। नकुल, दिग्विजय ये पांडव में होते थे, ठीक है। तो अर्जुन ही, अर्जुन भगवान शिव ने अर्जुन को एक अस्त्र गिफ्ट किया था, जिसे हम पाशुपत शस्त्र के नाम से जानते हैं। पाशुपत शस्त्र है ना, भगवान शिव ने अर्जुन को क्या किया था? भेंट किया था, ये याद कर लेना। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। और महाभारत का वर्णन पूछे ना, धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। और महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान 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 श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश किसको दिया था? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया। गीता में क्या करने पर बल दिया गया है? गीता में कर्म करने पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। और भगवान से जुड़ने का दूसरा रास्ता क्या रहेगा? वो ज्ञान रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ज्ञान रहेगा। भगवान से जुड़ने का दूसरा रास्ता क्या रहेगा? ज्ञान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीरंदाजी का कौशल खालिस्तान के स्वयंवर में परीक्षा थी। तीरंदाजी का कौशल खालिस्तान के स्वयंवर के लिए क्या होती थी? परीक्षा होती थी। जो तीरंदाजी का कौशल है ना, वो द्रौपदी के स्वयंवर के लिए क्या होती थी? परीक्षा होती थी। इसमें कौरव भी गए थे, पांडव भी गए थे। और जब सभी से पूछा गया, इसमें ना मछली की आंख में तीर मारना था, सभी से पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रही थी? कोई कह रहा मछली की पूंछ दिखाई दे रही थी, कोई कह रहा था मछली के बाल दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने कहा मेरे को मछली की आंख दिखाई दे रही थी। और प्यारे बच्चों, अर्जुन की भांति है ना, जब तक आपको जॉब दिखाई नहीं देगी ना, तब तक आप नहीं लग से आप सोते उठते बैठते आप है ना, एक टारगेट बना लो, या तो वर्दी नहीं या मैं नहीं। किसी की इतनी औकात नहीं है कि आपको आपकी वर्दी से रोक सके। गालिब अक्सर कहा करते थे, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो इसमें द्रौपदी राइट है आंसर रहेगा। कौन सा राइट आंसर रहेगा? द्रौपदी राइट आंसर, ऑब्वियस बोलना सर। कौन सा राइट आंसर रहेगा? द्रौपदी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें ऑब्वियस कितना टाइम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? और सर बहुत अच्छी जीके पढ़ाते हैं, सर के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत का युद्ध है ना कब लड़ा गया था? तो महाभारत का युद्ध प्यारे बच्चों 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। किसके लिए? कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। किसके लिए लड़ा गया था? कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ये प्यारे बच्चों मैंने इम्पोर्टेंट मतलब मेन मेन क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और भविष्य में भी प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आता रहूँगा। तो आप है ना सर को सब्सक्राइब कीजिए, और मतलब सर बहुत अच्छे छोटे भाई मानता हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर के चैनल पर विजिट कीजिए। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, और आप सर के साथ जुड़े रहिए, और मेरे क्लासें आपको रेगुलर चैनल पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और वही बात है, एजुकेशन को रुकने मत देना, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं
ऐसियत पूछने वाली दुनिया है। तो पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।